हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग पे। तो आज हम जाने वाले हैं अपने दोस्त के घर, क्योंकि उसका बेटा का छठियारी है। तो उसके लिए अभी हम सबसे पहले चलते हैं दुकान, जहां हम उसके बेटे के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेंगे। गाइस, ये है मनीष वस्त्रालय, जो कि रामपुर में है, और अभी पहुँच चुके हैं हम इसके पास एक कपड़ा लेने के लिए। भैया, एक छोटे बच्चे के लिए कपड़ा दिखाएंगे। तो देखिए गाइस, भैया कितने अच्छे अच्छे कपड़े दिखा रहे हैं। भैया ये वाला पैक कर दो। कितने का भैया? चलिए ठीक है भैया, पैक कर दो। बच्चे का कपड़ा है ये, देखिए मनीष भैया का दुकान है। आपको कहीं भी कोई भी मतलब कपड़ा, सैंडल, जूता, चप्पल सब कुछ यहाँ पे मिलता है। आप कुछ भी यहाँ पे खरीद सकते हैं और उचित दाम में मिलता है। ये रामपुर में है, जो चौपारण प्रखंड के अंदर आता है, रामपुर पंचायत में, मेन मार्केट में। ठीक है भैया का, देखिए स्कैनर वहाँ है, ऑनलाइन कैश सब लेते हैं। हाँ भैया, तो दीजिए। थैंक यू भैया, आपका दुकान बार बार आएंगे, आप बढ़िया सामान देते हैं। ओके, फिर मिलते हैं। ये देखिए हमारे चांद, चलो चांद। तो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं मनीष भैया के दुकान से। और अब देखिए हमारे गाड़ी में पेट्रोल भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमें दूर जाना है तो पेट्रोल भी बहुत ज़रूरी है भरवाना। तो अभी हम निकलते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल दुकान में। तो गाइस, फाइनली हम निकल चुके हैं पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल दुकान पर। अभी चलिए मिलवाते हैं भैया से, अपने गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं, ताकि हम अपने दोस्त के घर तक जा सकें। एक्चुअली गांव में रहने पे शहर तरफ जाने का मौका बहुत कम मिलता है, जिसके कारण टंकी खाली रहता है। हम लोग आ चुके हैं भैया के पास पेट्रोल भरवाने के लिए। क्रमवीर भैया, एक लीटर पेट्रोल दीजिएगा गाड़ी में भरना। ये देखिए भैया, एक लीटर पेट्रोल दिए हैं, अभी गाड़ी में जाके भरते हैं। सुशांत पेट्रोल भर रहा है अभी। एक लीटर बहुत काफ़ी है हमें, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं जाना है, 2-3 किलोमीटर ही जाना है। हम भैया को पेट्रोल का पैसा दे रहे हैं। ये लीजिए भैया, पेट्रोल का पैसा काट लीजिए। और कुछ नहीं भैया फिलहाल, बाकी जो रहेगा वो बाद में ले जाएंगे। नहीं भैया, थैंक यू भैया। ओके नवीन भैया हमारे, नवीन भैया एक बच्चा का झुनझुना दीजिएगा, खिलौना लाइए भैया। ये देखिए हमारे नवीन भैया है, बच्चे का खिलौना लेके आ रहे हैं। यस सर, ये देखिए हमारे नवीन भैया हैं, पैसा दे रहा हूँ इनको। थैंक यू भैया। तो फाइनली गाइस, हम लोग निकल चुके हैं मार्केट से गिफ्ट परचेज करके। हम लोग अब सीधा मिलते हैं अपने दोस्त के घर के पास। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो पे बने रहें। आठ है मेरे दोस्त का, भीड़ होने के कारण हम लोग नहीं मिल पाए।